पूरा लाहौर डोमिनेटेड था लेफ्ट से 1968 से आगे 70s के थ्रू आउट। तो एक इतना बड़े अपसर्ज के अंदर रियासत, इनफैक्ट पूरी रियासत की ही एक तरह से वो रियासत भी टूटी 71 के अंदर, बांग्लादेश बना, एक क्राइसिस में जो फंसी हुई थी, सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट बनी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, कुछ सोशल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वगैरह भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और उसके खिलाफ, उन सोशल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के खिलाफ जो यहाँ के ट्रेडिशनल प्रो यू रूलिंग क्लास थी, जिसमें वो 22 बड़े बड़े खानदान थे, जिनमें से अक्सर खानदानों को भुट्टो ने नेशनलाइज कर दिया, सहगल भी शामिल थे, आदम जी भी शामिल थे, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली शामिल थी, और जागीरदार क्लास जो कि लैंड ज़रई इस्लाहात के खिलाफ थी, और वो ब्यूरोक्रेसी 1300 अफसर जिनको भुट्टो ने बाहर निकाला था, और वो लोग जो अमेरिका से अलाइनमेंट चाहते थे और भुट्टो की बायलैटरलिज्म और नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी वगैरह नहीं फॉलो करना चाहते, और अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो जो रीजनल नेशनलिस्ट वगैरह थे, इन सब का इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान नेशनल अलायंस में, और उस पीएनए के अंदर इन पार्टीज का यानी मजहबी इंतहा पसंद पार्टियों का इंतहाई अहम किरदार था उस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि उस मूवमेंट के जो रियल आइडियोलॉजिकली जो उसको नजरियाती तौर पे कंट्रोल कर रहे थे वो एक्चुअली इंतहा पसंद की पार्टियां थी। उस पीएनए मूवमेंट के नतीजे में जियाउल हक आया, और जियाउल हक ने फिर एमक्यूएम और इन मुख्तलिफ अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज को मुकम्मल सपोर्ट दिया कि इस ये सारी जो लेफ्ट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इसके खिलाफ एक काउंटर रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज की जाए। मैं समझता हूं कि ये जो कुवतें थी, ये वो जिनके बारे में ग्रामशी बात करता है इटली में, जो ब्लैक शर्ट्स मूवमेंट मुसोलिनी ने शुरू की थी, या जो एसएस मूवमेंट जो हिटलर ने शुरू की थी, या जो फ्रांको की मूवमेंट थी, या जो एल साल्वाडोर के अंदर कॉन्ट्रास थे, या जो मोजम्बिक के अंदर रिनामो की मूवमेंट थी, उन तमाम मूवमेंट से ये मूवमेंट सिर्फ इस हवाले से शायद एक फ़र्क रखती थी कि इसको ये मज़हब की बुनियाद पर थी, वो और बुनियादों पर थी, मगर उसके अलावा उसका क्लास कॉन्टेंट यही था कि तमाम लेफ्ट की तंजीमें और सेंटर की भी तंजीमें, लेफ्ट और सेंटर दोनों इस पूरे के पूरे सेक्युलर जो लॉबी है इसको बेसिकली इसकी हड्डियां तोड़ दी जाएं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन तोड़ दी जाए, ये बेसिकली रियासत के पैराट्रूपर्स थे जिनका ये फर्ज था कि उन तमाम सियासी ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ दिया जाए जो किसी ना किसी शक्ल में भी सेक्युलरिज्म या गरीब लोगों की हमायत की बातचीत कर रहे हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स। और ऐसा ही हुआ 1980s में, हमारी रेजिस्टेंस चलती रही, मेरी फैमिली भी उसमें शामिल थी, चाहे वो विमेंस एक्शन फोरम के हवाले से हो, अजोका थिएटर के हवाले से हो, पॉलिटिकल एक्टिविज्म के हवाले से हो, वो सब चलता रहा। और हम सब का ये ख्याल ये था जब जमहूरियत वापस आई, खासतौर पे जब बेनजीर 86 में वापस आई, कि अब एक काया पलट जाएगी और पाकिस्तान जो है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ कदम बढ़ाता चला जाएगा और इम्प्रूवमेंट आएगी 90s के जरिए। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमने देखा ये कि इनफैक्ट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हम आज भी अपने आप को और भी एक कमजोर पोजीशन में पाते हैं, क्योंकि रियासत की और इंटरनेशनल फंडिंग जो थी वो काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस की, उन मजहबी इंतहा पसंद फोर्सेस की, वो खत्म नहीं हुई, वो पूरे 90s के पीरियड में जारी रही, और उन्होंने अपने अपनी तंजीमों को, इंस्टीट्यूशंस को मुनज्जम किया, अपने आप को मुनज्जम किया, हथियार हासिल किए, एंड सो ऑन। मगर इसके साथ साथ ये कहना भी जरूरी होगा, ये तो थी पाकिस्तान की इंटरनल हालात कि बैनुल अक्वामी सियासत ने और रीजनल पॉलिटिक्स ने भी इस चीज को बहुत बड़ा असर प्ले रोल प्ले किया, और वो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर 1978 के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। अब इस पर बड़ी डिबेट होती है कि वो तब्दीली थी, वो इनकलाब था, या वो कूदे था या क्या था, छोड़े दो मिनट के लिए इस बात को, अपने जहन से निकालें और इस चीज पे गौर करें कि वो तब्दीली थी क्या। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपने आप को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहती थी खुल के, जो कि सोवियत यूनियन से बहुत करीबी उसके ताल्लुकात थे खुल के, और जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक सोशलिस्ट इंकलाब बर्मला कहते हुए नाफिज करना चाहते थे, वो पावर में आए अप्रैल 1978। किस तरह आए जरा दो मिनट इसको भी छोड़, सही आए गलत आए बस आ गए, और आकर उन्होंने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए। मैं आपको वो रिफॉर्म जरा बताना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते थे आप। नंबर एक, आते ही 1978 में
उन्होंने किसानों की डेट के हवाले से एक लॉ पास किया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि गिराव सिस्टम जो है वो अब से खत्म हो चुका है, जो कि जागीरदारों की नुमाइंदगी करता था, उनकी पावर को अपहोल्ड करता था, और तमाम डेट्स, तमाम मॉर्गेजेस 1974 से पहले, यानी 4 साल से पहले जितने भी डेट्स हैं वो तमाम डेट्स माफ कर दिए जाएंगे। तकरीबन 90% पेजेंट्री जो थी वो इंडेटेड थी उस वक्त। लैंडलेस पेजेंट्स एंड लेबरर्स जो थे, बेजमीन किसान और मजदूर जो थे जिनके 5 एकड़ से कम जमीनें थी, उनको किसी भी डेट से माफ कर दिया गया, चाहे वो 1974 से पहले हो या 78 में ही उन्होंने कर्जा लिया, तमाम कर्जे माफ कर दिए गए किसानों पे, और एस्टिमेटेड 81% पेजेंट्री जैसे कि लिखा हुआ है उससे बेनिफिट की। मजीद उन्होंने वलसवाली कमेटी बनाई जिसके जरिए वो ये चाहते थे कि ये डिक्री इंप्लीमेंट हो और जागीरदार जो है वो डेट्स हासिल ना कर सके। 17 अक्टूबर 1978 में पीडीपी ने डिक्लेयर किया मैरिज लॉज के हवाले से कि 16 साल से कम उम्र बच्चे की शादी बिल्कुल नामंजूर है, गैर कानूनी समझी जाएगी, क्योंकि उस समाज में उससे पहले छोटी छोटी बच्चियों की, 4 साल 5 साल की बच्चियों की भी शादी करा दी जाती थी और समझा जाता था कि ये कोई बड़ा मसला नहीं। मगर जदीद तकाजे यही हमें बताते हैं कि नहीं, बच्चों को कम से कम 16 साल 17 साल की उम्र के बाद शादी हो तो ये उनकी नशोनुमा के लिए बेहतर है। उन्होंने ये लॉ पास किया, इस पे भी बड़ा शोर हुआ और 18 साल लड़कों की उम्र मुकर्रर कर दी। मजीद ये कि दोनों पार्टनर्स की रिटन कंसेंट जरूरी है उस शादी के लिए, यानी माँ प्यो अगर कह भी दें कि शादी करनी है पुत्र इधर, मगर अगर बच्चे की रजामंदी ना शामिल हो तो वो शादी लीगल नहीं समझी जाएगी, उस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मजीद ये कि हक महर पे भी एक लिमिट लगा दी गई। क्यों लिमिट लगा दी गई? इसलिए क्योंकि एक प्रैक्टिस थी ब्राइड्स को, लड़कियों को खरीदो फरोख्त की, उस पे लिमिट लगा दी गई 300 अफगानी। फिर जनवरी 1979 में पीडीए ने ये डिक्लेयर किया कि 15 एकड़ से कम से ज्यादा जो जमीन होगी वो हम गरीब किसानों में बांट देंगे। अब जरा इस पे गौर करें, 15 एकड़ क्या मतलब क्या है इसे? जब अयूब खान ने अपना रिफॉर्म किया था पाकिस्तान में तो उस वक्त लैंड सीलिंग थी 500 एकर्स, और जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना लैंड रिफॉर्म किया था तो उस वक्त सीलिंग थी 150 एकड़, जिससे ऊपर जमीन जो है छीन ली जाएगी, और 80,000 फैमिलीज भुट्टो के रिफॉर्म से बेनिफिट किया था उन्होंने। कहां 150 एकड़ और कहां 15 एकड़, इतना रेडिकल रिफॉर्म जो है ना वो मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी पार्टी का, मुझे याद है मेजर साहब का जो जमाने में था उन्होंने 25 एकड़ लिखा हुआ था कि 25 एकड़ से ऊपर जो होगी हमारी कोशिश होगी कि उसको लैंड रिफॉर्म में दे दिया जाए। वो उससे भी आगे गए, उन्होंने कहा 15 एकड़ से ऊपर हमने टॉलरेट ही नहीं करना। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह कि सिर्फ 400 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 15 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लैंड कॉन्सेंट्रेशन ऐसी थी कि सिर्फ 400 फैमिलीज उससे मुतासर होती थी, मगर आधी से ज्यादा उस मुल्क की जमीन जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती थी। तो ये से साफ जाहिर होता है कि ये जो 400 फैमिलीज थी और इनके साथ जो जुड़े हुए इनके चमचे थे, लोग थे, हुक्मरान तबका था ये, वो इस चीज के और इस तब्दीली के इंतहाई खिलाफ थे। मिराग का सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम जो कि जागीरदारों के कंट्रोल में था, उसको कैंसिल कर दिया गया और पेजेंट कमेटी बना दी गई जो कि वाटर मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगी। एक लिटरेसी कैंपेन सेट किया गया और टारगेट सेट किया गया 10 सालों के अंदर यूनिवर्सल लिटरेसी हमने कायम करनी, हर बंदे को हमने कंपलसरी एजुकेशन दे के तो लिखना पढ़ना सिखा देना। बहुत एम्बिशियस टारगेट था मगर वो समझते थे वो अचीव कर सकते, और बच्चियों को भी कंपलसरी एजुकेशन हो गया, बच्चियों को घर में बंद करने की इजाजत नहीं होगी, वो स्कूल जाएंगी पढ़ेंगी, रियासत उनके लिए पैसे देगी, ये फ्री तालीम मुफ्त तालीम होगी बच्चे और बच्चियां दोनों। एक कैंपेन अगेंस्ट लिटरेसी ऑर्गेनाइज किया गया और पहले 6 महीने में ही उन्होंने 6,000, पहले तो उन्होंने फौज से शुरू किया, उनको लिटरेट बनाया और फिर आगे मजीद बढ़ते गए। इससे क्या समझ आती है हमें, इन रिफॉर्म से, इन रिफॉर्म से किसको असर हुआ, किन किन लोगों को ये अच्छे लगे और किन लोगों को ये बुरे लगे? जाहरी बात है कि जो वहाँ गरीब लोग थे उनको ये रिफॉर्म बहुत पसंद आए, उन्होंने इन रिफॉर्म्स को सेलिब्रेट भी किया, और जो वहाँ का हुक्मरान तबका था
जागीरदार तबका था, ट्राइबल लीडर्स थे, उनको ये रिफॉर्म्स बहुत अच्छे लगे, बुरे लगे। जो मलकियती तबका था उनको ये रिफॉर्म्स बहुत बुरे लगे। मगर और वो चाहते थे कि ये हुकूमत टूट जाए, ये रिफॉर्म्स ना आ सके। उन्होंने नारा लगाया, वो ये नारा तो नहीं लगा सकते थे कि मलकियत को बचाओ, गरीबों को बचाओ, 400 खानदानों को बचाओ। तो लिहाजा उन्होंने नारा ये लगाया कि इस्लाम को बचाओ, इस्लाम खतरे में। वो हबीब जालेब की भी बड़ी फेमस पोएम है ना कि खतरा है जरदारों को, रंग बिरंगी कारों को, अमरीका के प्यारों को, खतरे में इस्लाम नहीं। वो जवाब था इसी नारे का। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में है। दरअसल जागीरदारी निज़ाम खतरे में था, कबायली निज़ाम खतरे में था, इस्लाम खतरे में नहीं था। मगर ये बन गया उनका स्लोगन एक रद्द इंकलाब के लिए, काउंटर रेवोल्यूशन के लिए। मैं समझता हूं कि शायद ये काउंटर रेवोल्यूशन कामयाब ना हो सका। हमला किया, कब्जा किया, और उसके रिस्पांस में CIA ने और अमेरिका ने मुजाहिदीन की मदद करनी शुरू की। और अब इस चीज को हमेशा सोवियत यूनियन ने कहा कि ये झूठ है, ऐसे नहीं है, उलट है, वो इंटरवेंशन कर रहे और हम इंटरवेंशन को रोक रहे हैं। मगर दुनिया ने इस बात को शायद कबूल नहीं किया, खासतौर पर मुस्लिम दुनिया ने, क्योंकि हम तो हैं बड़े जज्बाती किस्म के लोग। हमें जहाँ ये कोई कह दे इस्लाम खतरे में है तो हम आंखों पे पट्टी बांधते हैं, आदमी सर पे होती है आंखों पे बांध के, तो हम निकल पड़ते हैं दूसरे को कत्ल करने के लिए, जैसे कि नजर आ रहा है पूरे पाकिस्तान में आज भी। तो आपके सामने मैं कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहूंगा जो कि दो टोक आज इस बात को साबित करते हैं कि जो सोवियत यूनियन बात कर रहा था वो दुरुस्त थी। यानी कि इस अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन काउंटर इंटरवेंशन पहले शुरू हुई। दरअसल दी ऑफिशियल ऑर्डर 3 जुलाई 1979 को US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने खुद दिया। उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने डाला ऑपरेशन साइक्लोन। साइक्लोन अंग्रेजी में कहते हैं एक बहुत बड़े तूफान को जो इस तरह घूम के तबाह बर्बाद कर देता है। और ये ऑपरेशन साइक्लोन, आप यकीन नहीं मानेंगे मगर हकीकत है, CIA की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। यानी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो OSS कायम हुई, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ वेरियस ऑपरेशंस चल रहे थे, जो ग्रीस के अंदर हुकूमत को गिराने के लिए, कम्युनिस्टों को गिराने के लिए ऑपरेशंस चल रहे थे, जो यूगोस्लाविया में उनका चल रहा था एक बहुत बड़ा सेटअप वगैरह वगैरह, उन जो एल सालवाडोर और पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर क्यूबा के खिलाफ जो सारे CIA ऑपरेशंस वगैरह, उन सबसे ज्यादा बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर था। CIA का ये जहन में बात क्लियर करें आप, सबसे बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ उनकी तारीख। ये वो बात CIA वाले खुद इकरार करते हैं आज जो पहले नहीं करते थे। दूसरा ये कि ये आज दो टोक बात साबित हो चुकी है कि सोवियत इंटरवेंशन से तकरीबन 6 महीने कबल, आधा साल पहले ये CIA ऑपरेशन शुरू हो गया था और जारी था। क्यों था ये ऑपरेशन, इसके मकासद क्या थे? जेबेग्नु ब्रिजेजेंस्की, जो कि उस जमाने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था जिमी कार्टर का, उसके अपने अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या हासिल करना चाहते थे। ब्रिजेजेंस्की कहता है, आपके सामने लिखा भी है, According to the official version of history, सरकारी वर्जन हिस्ट्री का हमें यह बताता है कि CIA ने मुजाहिदीन को एड 1980 में देनी शुरू की, यानी कि सोवियत इंटरवेंशन के बाद, जो कि सोवियत इंटरवेंशन 24 दिसंबर 1979 में हुई।